chapter 11, jobs and works. Right? Today we are going to see a problem sum of capacity. Here, one kettle has a 500 milliliter of tea. Winner drank 300 milliliter tea from it. How much tea is left in the kettle? Winner ke paas kitni tea thi? 500 milliliter tea. 500 milliliter tea. Then, ab kya karenge? 300 milliliter wo tea pees, right? So 300 milliliter hum kya karenge? Minus karenge, right? So 300 milliliter tea drank. Now 0, 0, 5 minus 3, 2 milliliter tea left in kettle, right? तो यहाँ पे क्या किया हमने? माइनस किया. तो प्रॉब्लम सम में प्लस भी हो सकता है, माइनस आ सकता है, डिवीजन भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन, चारों में से कोई भी हो सकता है, राइट? तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है कि उसमें क्या करना है, फिर आपको सम करना है. टू पेंट रूम 650 मिलीलीटर ऑफ ग्रीन पेंट एंड 275 मिलीलीटर ऑफ येलो पेंट. अब यहाँ पे रूम पेंट करने के लिए ग्रीन कलर कितना चाहिए? 650 मिलीलीटर एंड येलो कलर 275 वॉज रिक्वायर्ड. How much quantity of a paint was required to paint the room? अब रूम को पेंट करने के लिए कितना कलर चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 650 मिलीलीटर जो है वो कौन सा पेंट है? ग्रीन पेंट है, राइट? देन 275 मिलीलीटर जो है वो क्या है? येलो पेंट है. तो टोटल कितना चाहिए? 0 + 5 = 5, 7 + 5 = 12, 2 = 1, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, 925 मिलीलीटर जो है वो टोटल जो है वो पेंट वी नीड, राइट? नाउ थर्ड नंबर, इफ वन टिन कंटेन अ 15 लीटर ऑयल देन हाउ मच ऑयल विल बी कंटेन इन 5 ऑयल टिन्स. अब वन ऑयल में, वन टिन में कितना लीटर है? 15 लीटर है. सो यहाँ पे वन ऑयल टिन इज इक्वल टू 15 लीटर ऑयल. सो 5 ऑयल टिन में कितना लीटर आएगा? 5 ऑयल टिन इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5. 15 × 5 = 75 लीटर ऑयल उसमें समाएगा. 5 लीटर, 5 ऑयल टिन में कितना ऑयल आएगा? तो कि 75 लीटर ऑयल आएगा, राइट? नाउ फोर नंबर, वन जग ऑफ अ ऑरेंज जूस इज मेड फ्रॉम 6 ग्लास ऑफ वाटर. हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू मेक अ सच अ 3 जग्स ऑफ ऑरेंज जूस. अब वन जग से, वन जग के लिए कितना चाहिए? 6 ग्लासेस चाहिए, राइट? सो यहाँ पे आपको कितना चाहिए, कितना जग बनाना है? 3 जग्स. तो 3 जग्स के लिए मुझे कितना चाहिए? तो 1 जग के लिए 6 ग्लास चाहिए. तो 3 जग्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 3 × 6 = 18 ग्लासेस. 3 × 6 = 18 ग्लासेस जो है वो मुझे मिलेगा, राइट चिल्ड्रन? नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. पोट नंबर 2 होल्ड्स अ 12 ग्लास ऑफ वाटर एंड पोट नंबर 1 होल्ड्स अ ट्वाइस अमाउंट ऑफ वाटर देन पोट नंबर 2.
Then how many glasses of water one are needed to fill a pot number one? अब pot number two में जो है वहां पे ये मैंने question में लिखा है, पर pot number two जो है उसमें कितना पानी आएगा? Pot number two उसमें कितना पानी चाहिए? 12 glass है, 12 glasses of water, right children? So अब यहाँ पे twice the water, pot number one में क्या चाहिए? Twice of, so twice मतलब 12 और twice चाहिए मतलब 12 two sir कितना होगा? 24 glasses जो है वो of water जो है वो पोर्ट नंबर वन में आएगा, राइट चिल्ड्रन? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करना है, दो बार वीडियो देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन? बाय बाय।